बॉलीवुड के सिंगर कुमार सानू ने लॉन्च की फर्स्ट एवर इंडो मलेशियन बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम तुम मिले। इस यूनिक और फर्स्ट एवर वेंचर में कुमार सानू और मलेशियन प्रिंसेस सुजैना अब्दुल्ला के सॉन्ग हैं। एल्बम के गाने हैं सुपरहिट्स फ्रॉम बॉलीवुड्स गोल्डन एरा और उन्हें फिल्माया गया है डेस्टिनेशंस ऑफ मलेशिया पर। मलेशियन प्रिंसेस नूर सुजैना और कुमार सानू ने बात की एल्बम के बारे में। The renowned island of tourism product, Malaysia. I am indeed very happy and grateful that I can share this launch of my music video title, Tum Mile, especially with the renowned and inspirational playback singer, Mr. Kumar Sanu. I am thankful to Mr. Kumar Sanu, for without whom the album would not have reached to new heights of great impact. आप लोगों की आशीर्वाद चाहिए हमें ताकि ये अच्छी तरह से चल जाए। लीजिए नूर जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस कंट्री से नूर जी आए हैं वहाँ पे इतना सख्त पाबंदी है कि हम साथ में वीडियो नहीं कर सकते, साथ में एक साथ बैठ के कोई शॉट नहीं दे सकते, बहुत सारा पाबंदियाँ। लेकिन उसके बीच इन्होंने अपने श्रोती जी ने किस तरह से वीडियो को बनाया, अमेजिंग। और हमने साथ दिया इसलिए कि हम चाहते हैं कि जैसे मैं 22 लैंग्वेज में गा चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मलेशिया जाके मैं मलेशियन सॉन्ग्स भी गाऊँ। और नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हम मलेशियन सॉन्ग्स वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और एक भाषा और हम जोड़ लेंगे अपने साथ। और इस एल्बम के लॉन्च पर शिरकत की बॉलीवुड की कई हस्तियों ने जिन्होंने बात की एल्बम पर। जी मुझे बहुत अच्छा लगा गाना सुन के, बहुत मेलोडियस है, बहुत ज़्यादा सोल है इस गाने में और देख के लगता नहीं किसी हर हाइनेस ने मलेशियन जो मलेशिया की लैंग्वेज बोलती है हिंदी में इतना सुंदर गाना गाया है। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुरमय। जी कुमार सानू को मैं बहुत पहले से सुनते आ रही हूँ, आई थिंक जब मैं बड़ी हो रही थी तो बहुत सारे गाने उन्होंने हमारे बहुत सारे स्टार्स के लिए गाए हैं, तो उनकी आवाज़ हमेशा से मेरी बचपन के दिन में हमेशा से मेरे साथ रही हैं, तो उनकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है जब कोई नॉन इंडियन जिन्हें हिंदी आती भी नहीं है वो इतनी अच्छी तरह से हमारे बॉलीवुड के गाने गाते हैं। इट्स क्वाइट नाइस। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स इज़ फ्रॉम आंधी, जो इन्होंने गाया है, विच इज़ लाइक आई सेड माय फेवरेट, सो आई एम एंजॉयिंग इट। आई थिंक डेफिनेटली म्यूज़िक कल्चर्स को साथ लाता है, म्यूज़िक दिलों को बस पास लाता है, सो डेफिनेटली वेरी गुड। यू नो लाइक आवर हिंदी लैंग्वेज शुड बी एनकरेज, यू नो इट शुड बी पॉपुलराइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। That is very nice, and I first of all congratulate her, and hopefully she should start singing in some Hindi songs, Hindi movies as well. But I think we've got outstanding singers, and I don't have to say anything on that count. We have so many singers coming up, so many different programs which are there. You know, there's so many different competitions which are there for the young boys and girls. You know, I'm not very good at remembering what are the programs. But I think there's a lot of encouragement from the TV channels also, and. I think it augurs well, you know, we've got very good singers. We've always had very good singers. Wonderful, yeah. She's singing a Bollywood song. We come from Bollywood, so it's my take is just that kudos to her. You know, she doesn't know the language, but she's actually mastered this, and she's singing the song right here, launching the album right here in Mumbai. It's absolutely wonderful. She's Her Highness, and actually, it's quite nice to see ki unhone कोशिश की है हिंदी गाने गाने की, और इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा गाया है कुमार शानू के साथ इस एल्बम को, और सो वील लुक फॉरवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी आर ऑल पीपल, वी आर ऑल द सेम, व्हाटएवर कास्ट क्रीड कलर माइट बी डिफरेंट, बट कहते हैं ना कि कल्चर कनेक्ट करता है हम सबको, और सबका खून एक ही है यार, तो क्या वी विल time that everybody comes together rather than separating it in into fact, one country, one continent, one whatever. Singing is one thing jo connect karta hai logo ko. Absolutely. So it's brilliant actually. Kumar Sanu ne kaha ki unke liye kafi maayne rakhti hai ye album. Bahut arse ke baad ek album main kisi Malaysian queen ke saath, mera ye ek album hai jo ki mere liye bhi bahut maayne rakhta hai. It's not my songs, it's
Kishore Das songs I have sang. मैंने गाया और इन्होंने साथ में गाए हैं नूर जी, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिंगर एंड जो भी है हम लोग साथ में मिल के ये किया इसलिए कि इनका जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक वो भी मकसद है कि मलेशिया में लोग जाते हैं घूमने और बहुत मज़ा करने जाते हैं, तो इनका भी एक था कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ करे एंड इनका सिंगिंग भी साथ में होए और साथ में मैं भी जुड़ गया और बहुत मज़ा आया. हमने मलेशिया में शूटिंग भी किया, आप लोग देखेंगे थोड़ी देर में गाने के साथ साथ एंड वी रियली एंजॉयड एंड आपको अच्छा लगेगा. नूर से जानते हैं कि एल्बम का कैसे आया इन्हें ख्याल. As a matter of fact, I'm very proud to be able to sing with Kumar Ji, and he's one of my favorite playback singer in India. And very fortunate today I could launch Tumile for our Tourism Malaysia to promote Visit Malaysia Year 2014. कैसे लगती हैं इन्हें हिंदी फिल्में, आइए जानें. I watch Hindi movies since age of 7. I love the song, I love the music. वहीं कुमार सानू ने कहा कि आने वाले टाइम में वो भी गा सकते हैं मलेशियन सॉन्ग. हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने कितनी अच्छी तरह से आप लोगों के सामने गाया और शायद फ्यूचर में मैं भी मलेशियन गाना गाऊंगा क्योंकि बात चल रहा है अभी इस तरह की कुछ बात चल रहा है. हम लोग मलेशियन एल्बम भी करेंगे उनका उस कंट्री के लिए. खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.